नमस्कार दोस्तों, हरीश राउत ने ऑस्ट्रेलिया में रच दिया इतिहास। ऐसा करिश्मा करने वाले पहले पाकिस्तानी तेज गेंदबाज बने। क्या एक खबर इस वीडियो में आपसी को हम बताएंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं की प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। पहला मैच जीतकर मेजबान ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है। अब दूसरे वनडे में दोनों टीमें एडिलेड ओवल में सामना हो रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी की पाकिस्तान की शानदार गेंदबाजी के सामने पोल खुल गई है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एक एक रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। किसी भी बल्लेबाज ने क्रीज पर जमने की जहमत नहीं उठाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरी टीम महज 35 ओवरों में ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा रन स्टीव स्मिथ ने बनाए। स्मिथ ने 48 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 35 रनों की पारी खेली। उनके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सका। इस तरह ऑस्ट्रेलिया 163 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया को इतने कम स्कोर पर आउट करने का श्रेय पाकिस्तान की शानदार गेंदबाजी को जाता है, जिन्होंने पहले ही ओवर से कसी हुई गेंदबाजी की और मेजबान टीम की किसी भी बल्लेबाज को क्रीज पर जमने नहीं दिया। पाकिस्तान के लिए वैसे तो सभी गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन हरीश राउत ने 5 विकेट लेकर कमाल ही कर दिया। राउत ने जोश इंग्लिस, मार्नस लबुसेन, अरुण हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल और पेट कमिंस को अपना शिकार बनाया। तेज गेंदबाज ने 8 ओवर में 35 रन देकर ऑस्ट्रेलिया की साझी टीम को पेवेलियन की राह दिखाई। इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत हरीश राउत ने इतिहास रच दिया है। दरअसल हरीश राउत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में एडिलेड ओवल में 5 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी तेज गेंदबाज बने हैं। ओवरऑल ऐसा करने वाले वह दूसरे पाकिस्तानी गेंदबाज हैं। इससे पहले स्पिनर शकलेन मुश्ताक ने साल 1996 में इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट लेने का बड़ा कारनामा किया। यही नहीं, हरीश इस मैदान पर 5 विकेट लेने वाले तीसरे पाकिस्तानी बॉलर है। हरीश और शकलेन ने वनडे में एडिलेड ओवल ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये बड़ी उपलब्धि हासिल की, जबकि सोहेल खान ने भारत के खिलाफ ये बड़ा मुकाम हासिल किया था।